सुम्बुल एक बार फिर शालीन से करेगी दोस्ती? क्या एक बार फिर सुम्बुल और शालीन में दोस्ती हो जाएगी? क्या है सुम्बुल की प्लानिंग शालीन के साथ दोस्ती को लेकर? आइए मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। सो गाइस, बेसिकली आपको बता दूं कि फिलहाल सुम्बुल और शालीन की दोस्ती जो है वो हॉट टॉपिक बनी हुई है घर में, क्योंकि इसके अक्सर पहले भी देखा गया कि जब भी सुम्बुल को मना किया जाता था कुछ महीने यानी हफ्तों बाद यानी 2-3 दिनों के बाद भी सुम्बुल वापस से शालीन से फ्रेंडशिप कर लेती थी और ये टॉपिक बहुत ज्यादा बैकफायर करता था। लेकिन इस बार कुछ अलग हो रहा है, कुछ डिफरेंट हो रहा है। सुम्बुल ने जब से अपने पिता से राय लिए, सजेशंस लिए और उनके पिता ने उन्हें वार्निंग दी है, तब से सुम्बुल ने ऐसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है शालीन से जैसे वो शालीन को जानती तक ना हो। लेकिन ये बात जो है वो साजिद खान को खल रही है। साजिद खान ने सुम्बुल से कहा कि अब उसे शालीन से दोस्ती कर लेनी चाहिए, जिस पर सुम्बुल ने साफ तौर पर इनकार कर दिया और कह दिया कि नहीं, अब मैं उससे दोस्ती नहीं करूंगी। जिस पर साजिद खान ने कहा, क्यों, तुम्हारे पापा ने तुम्हें मना किया है, इस वजह से तुम दोस्ती नहीं करोगी? जिस पर सुम्बुल कहती है, हाँ, मेरे अब्बू ने मना किया है और अब मैं उससे दोस्ती नहीं रखना चाहती। यहाँ साजिद उसे समझाते हैं कि अरे अभी तो तुम छोटी बच्ची हो, तुम्हें प्यार की जरूरत है, तो तुम लोगों से मिलो, घुलो, बातें करो, ऐसे डिफरेंसेस मत लाओ। तो यहाँ पर साजिद खान जो है वो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं फुल सुम्बुल और शालीन की दोस्ती कराने में। लेकिन यहाँ सुम्बुल जो है वो कहीं ना कहीं अपने डिसीजंस पर काफी स्ट्रांगली फिलहाल खड़ी है। देखना दिलचस्प होगा क्या साजिद खान कन्विंस कर पाते हैं सुम्बुल को शालीन से दोस्ती करने के लिए या फिर कुछ और ही होता है। क्या लगता है आपको, हमें बताएं कमेंट करके। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल।